नमस्कार आप सभी को मिशन आत्मनिर्भर में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है तो आज हम लोग देखे आज से शुरुआत हुआ था मैं वादा किया था आप लोगों को कि मंडे से आप लोगों को प्रॉपर कॉल्स वगैरह भेजूंगा प्रॉपर मतलब मैं प्रॉपर कॉल वगैरह ये नहीं भेजा था कि बाइक इसके ऊपर से करना है स्टॉप लॉस ये रहेगा टारगेट ये रहेगा मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं वो वो देना स्टार्ट करूँ ना तो फिर ये चैनल का कोई मतलब ही नहीं है मिशन आत्मनिर्भर फिर आप आत्मनिर्भर कहाँ हुआ है आप ख़ुद से ट्रेड को डिफाइन नहीं कर पा रहे मेरा सुन के आप ट्रेड ले रहे यार जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन आप क्या करोगे तो इसलिए मैं वो नहीं किया अगर आप चाहते कि प्रॉपर कॉल आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए अगर कमेंट में पंद्रह बीस कमेंट से ज़्यादा अगर रहा कि नहीं सर मेरे को कॉल चाहिए मतलब प्रॉपर कॉल चाहिए तो ठीक है आप लोगों के लिए वो भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले मुझे ये कमेंट आना चाहिए उसके बाद मैं प्रॉपर कॉल भी देना स्टार्ट कर दूंगा अभी तो फ़िलहाल कॉल आज शायद कैश में आया था बैंक निफ्टी निफ्टी में कुछ कुछ भी कॉल नहीं आया था क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं स्ट्रैटेजी सिखा दिया हूँ तो थोड़ा बहुत मिशन आत्मनिर्भर का मतलब होता है थोड़ा आत्मनिर्भर बन के निफ्टी में या बैंक निफ्टी में पोजिशन बनाइए आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में खैर हम लोगों को कुछ पोजीशन मिला या नहीं मिला वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक मुहिम है मिशन आत्मनिर्भर जिस मुहिम में हम लोग ये शुरू शुरुआत किए हैं एलिस ब्लू के माध्यम से ये शुरुआत किए है <coughs> माफ कीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी देखिए स्ट्रेटेजी ये मैं इन्वेंट नहीं किया हूँ मार्केट में ये पहले से भी स्ट्रेटेजी रहा है या फिर बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आपको ये स्ट्रैटेजी मिलेंगे पर मेन गैप कहाँ जाता था ना ये एक्सप्लेनेशन तो सब कर देते थे व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता था लाइक्स वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता था दूसरा दिन दूसरा वीडियो लेके आते थे स्ट्रैटेजी के ऊपर पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि वही स्ट्रैटेजी को ले रहे हैं ठीक है हम लोग कोई इन्वेंट नहीं कर रहे स्ट्रैटेजी हम लोग भी वो स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं काम किए हैं आज से कम से कम अगर सात आठ साल से मार्केट में हूँ तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में हम लोग भी वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई किए हैं हम लोग जानते हैं उसका रिक्स रिवॉर्ड कैसा डिफाइन किया जाता है तो हम लोग वो स्ट्रैटेजी को अपने तरफ से एक फर्निश कर रहे हैं कुछ मतलब और अच्छा फर्निश करके स्क्रूटनाइज करके आप तक लेके आ रहे हैं लेके आने के बाद स्ट्रैटेजी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग वो एक हफ्ता तक मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में रह के टेस्ट करने के बाद हम लोग उसका एक्यूरेसी डिफाइन कर रहे हैं कि ये छः दिन में इसका एक्यूरेसी कितना बार ये आपको लाभ दिया और कितना बार ये आपके पैसा लेके गया है तो इसको डिफाइन करने के बाद एक से मतलब देखिए एक हफ़्ता भी बहुत कम होता है कोई भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना पर हम लोग एक मतलब एक टर्म्स uh, पकड़े हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी को सिखाएंगे तो उसको एक हफ्ता तक टेस्ट करेंगे देन आफ्टरवर्ड उसमें एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट लाते हैं जिसमें बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी का क्या लूपोल है और क्या है उसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस पर ट्रेड लेंगे तो समझ के लीजिए क्योंकि बहुत सारा स्ट्रैटेजी क्या होता है ना आप स्कैल्पर हैं आप इन्वेस्टर हैं तो ये स्ट्रैटेजी कुछ अलग है आपको क्या पता चल रहा हाँ यहाँ पे बहुत बार ये स्ट्रैटेजी हमको पैसा कमा के दिया है तो आप क्या करते हैं ना, ना कैसे ना कैसे करके वो स्ट्रैटेजी को अपना लेते हैं मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसे मत कीजिए पहले अगर करना भी चाहते तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए पेपर ट्रेडिंग बहुत लोग करते नहीं हैं तो मैं बोलूँगा अगर कर करते नहीं है तो दो लॉट मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ दो लॉट और आप अगर आपके पॉकेट साइज बहुत ही ज़्यादा है तो फिर आपका मर्जी है मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं सिर्फ इतना बोलूँगा दो लॉट मैक्सिमम मिनिमम एक लॉट एक ट्रेड कीजिए ये स्ट्रैटेजी पकड़िए जो स्ट्रैटेजी आप पहले यूज करते थे उसको बिल्कुल भी ना छोड़िए उसको छोड़ना है ही नहीं उस स्ट्रैटेजी को और स्ट्रांग बनाने के लिए ये स्ट्रैटेजी को अपनाइए ठीक है ठीके? उसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको <coughs> इसको अपनाने के बाद ना आपका जो मतलब ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो कहीं और एक लेवल ऊपर चल जाएगा एक लेवल नहीं बहुत ज़्यादा ही लेवल ऊपर चल जाएगा तो ये मिशन आत्मनिर्भर निर्भर में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी और हाउ टू सिलेक्ट इंटरडे स्टॉक्स ये तीनों स्टीच को कंपेयर मतलब लेके आ गए हैं ठीक है आज मैं वादा किया था कि कुछ नया स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा माफ कीजिएगा कल छुट्टी है फिर मुझे गैप हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आ, क्या अगले ट्यूसडे से लाना अच्छा होगा क्योंकि हम लोग के पास स्ट्रैटेजी आ गया सब कुछ टेस्टिंग करके आ गया अगर अब बता दू ना फिर कल मार्केट में टेस्ट नहीं कर पाएंगे अब मार्केट डेज भी बहुत कम है तो अगले मंडे फिफ्टी अगस्त है तो सिक्सटीनथ अगस्त से हम लोग स्ट्रैटेजी लेके आते हैं ठीक है स्ट्रैटेजी लेके आने के बाद सिक्सटीथ अगस्त से मार्केट में टेस्ट करेंगे फिर आपको एक अच्छा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट दे पाएंगे ठीक है तो चलिए आज पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी में पहले हम लोग क्या करेंगे निफ्टी स्पॉट चार्ट पहले ही ओपन है फाइव मिनट में हम लोग जाएंगे और देखेंगे मार्केट ओपन कहां से हुआ था आज था, आज था एट अगस्त और मार्केट कहीं ना कहीं यहां से ओपनिंग दिया था तो, तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये रहा थर्ड कैंडल इसके ऊपर क्या कर देंगे हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट कर देंगे ठीक है अब जैसे ही इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट करेंगे कहा गया हाँ यहाँ पे उसके बाद तीनों कैंडल का जो लो है उसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट कर दीजिएगा ठीक है तो ये रहा फर्स्ट कैंडल ये रहा सेकंड कैंडल ये रहा थर्ड कैंडल ठीक है अब क्या करना है आपको ये करने के बाद मैं क्या बोला था इसके ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग देगा फिर हम लोग जाएंगे बाइंग साइड अगर नीचे देता है तो क्या करेंगे सेलिंग साइड ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल आप देखेंगे 940 का जो कैंडल है कहीं ना कहीं ऊपर क्लोजिंग दिया था तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ बनता है सबसे पहले क्वेश्चन में आएगा स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस यहाँ ले लीजिए ना ये इंटरमीडिएट लेवल अभी हम लोग लेके आएंगे उसमें बता देंगे कि स्टॉप लॉस कैसे आप कॉशियस वगैरह रहेंगे कैसे करके स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं तो अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लेते हैं तो कहीं ना कहीं मैं क्या बोलो था पैतीस से चालीस पॉइंट अगर आप देखिए 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 ये आ गया फोर्टी पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर किया 54 पॉइंट तक आ गया था मैं ये नहीं बताऊंगा कि सर देखिए ये स्ट्रैटेजी आपको आज 115 पॉइंट ला के दिया है ऐसा नहीं होता है हम लोग डिसिप्लिन में क्या सेट किए थे 35 फाइव टू फोर्टी पॉइंट ठीक है अगर एक लॉट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं थर्टी फाइव टू फोर्टी पॉइंट में हम लोग को निकल निकल जाना है दो लॉट में ट्रेड कर रहे हैं सेम में निकल जाना है एक लॉट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए ठीक है तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी में बहुत अच्छा काम किया अभी बैंक निफ्टी देखते हैं निफ्टी बैंक में हम लोग आते हैं देखते हैं क्या कमाल दिखाया आज ये हाँ थोड़ा सा रुक जाइए ये पंद्रह मिनट में इसको मैं पाँच मिनट में पहले पहला क्राइटेरिया क्या है पाँच मिनट ठीक है अब क्या करना है नाइन फिफ्टीन इसके ऊपर में एक हॉरिजेंटल लाइन इसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ठीक है अभी बहुत लोग बोल रहा था सर अभी आगे बढ़िए हम लोग कमेंट करेंगे मुझे पता है ये मदर कैंडल उसके नीचे अंदर चाइल्ड कैंडल आज हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे यही मैं बोला था फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे सर देखिए आप तो मिस किए थ्री सिक्सटी पॉइंट मिस किए इंटरमीडिएट लेवल आएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ठीक है तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि हम लोग का स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे मिस हुआ है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये जो ये जो आज ये थ्री पॉइंट आप बोल रहे हैं ना ये एक दिन दो दिन ही आता है या फिर तीन चार दिन ही आता है मार्केट में जो तो डिसिप्लिन आप मेंटेन कीजिएगा ना वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको पैसा कमा के देगा मार्केट से ज़्यादातर समय पॉसिबिलिटीज़ का वर्ड यूज़ कर रहा हूं मैं ठीक है तो यहां पे हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी ठीक है हम लोग देख लिए अच्छा आज मैं कुछ टेलीग्राम में स्टॉक्स दिया था आप अगर देखेंगे ये रहा टुडे गुड मॉर्निंग एवरीवन एवरीवन एवरी सी पेल मैं पहले ही बोल दिया था कि मैम मैं मैं सोच रहा था कि कॉल टाइप करके दे दूं पर अगर कॉल टाइप करके दे देता ना तो यहाँ जो ये ये लिखा है ना ये जो लिखा है ना इसका गलत मीनिंग निकल जाता पर आप लोग अगर चाहेंगे तो प्लीज़ बोलिए मैं कॉल टाइप करके दे दूंगा आपको कल नहीं परसों से जब मार्केट रहेगा मैं कॉल टाइप करके दे दूंगा ठीक है पर कॉल ऐसा नहीं कि अगर मेरे को नहीं भी लग रहा तो दे दूं ऐसा नहीं है जब लगेगा डिसिप्लिन ट्रेड जब लगेगा तब देंगे ठीक है स्टॉप लॉस भी जा सकता है टारगेट भी जा सकता है पर इवनिंग में मिशन आत्मनिर्भर में आकर डिस्कस करेंगे कि क्यों वो कॉल को दिए थे टेलीग्राम चैनल में ठीक है uh, सबसे पहले चार्ट अगर देख लेते पेल दिए थे पीएल उसमें क्यू दिए थे मैं देख रहा था कि यहां पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बन रहा था ठीक है जैसे ही इसके ऊपर से मैंने लिख के भी दिया था इफ ब्रेक देन सी वन गुड मोमेंट इज गोइंग टू बिकम ठीक है जैसे ब्रेक किया मेरे को लग मेरा मेरा जो टारगेट था क्यों झूठ बोलू अठारह था अठारह अगर आप चार्ट देखेंगे चलिए आपको चार्ट दिखाई देते हैं नहीं तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे आप पी -E ई एल आप अगर ये देखते हैं ये देखिए मैं बना के भी रखा था मेरा टारगेट ये फिफ्टीन मिनट में अगर कन्वर्ट करता हूं मैं ये मैं फिफ्टीन मिनट में कन्वर्ट करता तो मेरा टारगेट ये लेवल था क्योंकि मेरे को पता था ये लेवल से मार्केट घूमेगा ये लेवल से मार्केट घूमेगा क्योंकि 1800 सौ so इसलिए मेरा टारगेट था क्योंकि मैं क्या बताता हूँ एवरी मॉर्निंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे को पता था यहाँ से मार्केट घूमेगा तो मेरा 1800 so था पर ऊपर गया जैसे ये देखिए 1806 के करीब आया था तो मैं जैसे ये दिया ये अदानी पोर्ट भी दिया था अदानी पोर्ट में बोला था इफ ब्रेक देन सी ठीक है अब लोग पहले ही खरीद लिए तो फिर मेरा गलती नहीं है इसलिए मैं प्रॉपर कॉल आप आप लोग अगर प्रॉपर कॉल चाह रहे हैं ना तो मेरे को कम से कम 20 से 25 कमेंट्स आना चाहिए तब मैं पक्का कॉल दे दूंगा अदरवाइज मैं पंद्रह भी कमेंट आया तो मैं नहीं दूंगा ठीक है अदानी पोर्ट कैश में अगर देखेंगे तो देखिए ये जो लेवल था ये लेवल मैं देख रहा था ठीक है मैं बोला था इसके ऊपर अगर सस्टेन किया ब्रेक किया तब एक अच्छा मोमेंट आ सकता है अदरवाइज नहीं आएगा मोमेंट ठीक है तो देखे यहाँ पे आया भी नहीं और आप अगर देखेंगे फिर मैं सेकंड में लिखा था इलिक्यूब एवोब फोर थर्टी पॉइंट फिफ्टीन इज लुकिंग गुड विध स्मॉल स्टॉप लॉस ठीक है मैं 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 अगर ये लिखा एवोव चार सौ के ऊपर बाई कीजिए तो ये तो लिखना चाहिए था ये लिख सकता था फिर कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि लिख के ही दे दू पूरा कॉल पर नहीं लिखा मैं अगले बार से अगर आप लोग बोलेंगे मैं लिख दूंगा एलिक्यूब क्यों मैं दिया था मन किया दे दिया ऐसा तो नहीं हो सकता है क्यों दिया था आप अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये जो लेवल में आपको अगर अच्छा से ड्रॉ करके बताए ये जो लेवल है ना यहां पे कंसोलिडेट कर रहा था ये क्या पैटर्न बन रहा है अ टाइप ऑफ असेंडिंग टैंगल ये स्टॉक में कम लिक्विडिटी रहता है इसीलिए ये ऊपर जाके पांच मिनट तक सस्टेन किया था उसके बाद नीचे आ गया ठीक है यही अगर कोई वॉलेटिलिटी स्टॉक रहता ना कोई अच्छा स्टॉक रहता ना चाहे कोटक ले लीजिए रिलायंस ले लीते यहीं पर क्लोज होता है ये ठीक है तो कहीं कही ना कहीं आप लोग अगर लिमिट बाइंग भी लगा लगाते स्टॉक में तो कहीं कही ना कहीं पाँच रुपये छः रुपये का अच्छा मुनाफा लेके जाते हैं स्टॉक्स में भी तो ठीक ऐसे ही मैं कुछ स्टॉक लेके आऊँगा अभी बैंक निफ्टी नहीं दिया तो बैंक निफ्टी भी दूंगा इसमें निफ्टी भी दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा और मदद मिल जाए पर उसके लिए देखिए मैं कुछ चार्जेस नहीं ले रहा हूँ कुछ भी नहीं ले रहा हूँ इतना स्ट्रैटेजी सिंपल करके आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ कुछ भी नहीं मैं सिर्फ एक एक चीज़ पूछना चाहता हूँ ये जो फिफ्टी नाइन है ना बहुत ख़राब लग रहा है देखने में पंद्रह अगस्त आने वाला है क्या आप लोग मेरे को इतना व्यू दे देंगे इतना सब्सक्राइबर दे देंगे एक सौ पचास एक सौ पचास कोई चार्जेस नहीं कुछ नहीं है मैं मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये वो चैनल है अभी जो जो जिसको जिसको अच्छा कॉल चाहिए वो प्रीमियम ग्रुप में चाहिए प्रीमियम ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में जाने के लिए दस हज़ार रुपये दीजिए नहीं बोलूंगा मैं मेरे को नहीं चाहिए पैसा नहीं चाहिए दस हजार नहीं चाहिए एक रुपया आप कमाना सीखिए मार्केट में जो इतना लोग आते गंवाते हैं इसके पास जाते हैं टिप लेने इसके पास जाते हैं टिप्स लेने मत जाइए स्वतंत्र बनिए आत्मनिर्भर बनिए अपने खुद के भरोसे खुद के हिसाब से ट्रेड लीजिए चाहे वो लॉस भी जाए तो सीख के आइए मार्केट से प्रॉफिट जाए तो भी सीख के आइए मार्केट से मेरा यही कहना है इसीलिए मैं जैसे ही मेरा टारगेट अचीव किया था एक ही पोर्ट तो खैर हुआ नहीं था कुछ भी उसमें जैसे मेरा एक हुआ था गुड मोमेंटम मिला था सेवन गया था एट मैं कोई भी मैं बोला कि देखिए ये गया मतलब डिसिप्लिन कितना काम आता है देखिए गया मैं मैं चाहता तो यहां पर दस्टो जैसे सेवेंटी एट क्रॉस किया ना उसके बाद से पंद्रह पॉइंट बीस पॉइंट पच्चीस पॉइंट रॉकेट ही मारता रॉकेट ही छोड़ता उसमें क्या होता ना अट्रैक्ट होते है आप लोग अट्रैक्ट होके जो फिफ्टी नाइन यहां देख रहा ना आज ही यहां पे हंड्रेड हो जाता ठीक है सब आते हैं यहां पे फिर वो मतलब ही नहीं है मेरा इसीलिए मैं सिर्फ इसी बता दिया देखिए कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट दिया आपको सेम लास्ट ट्रेडिंग डे में तीन दस या तीन बारह को मैं देखा इक्यूब अचीव किया टारगेट ठीक है उसमें भी मैं बोल दिया दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन ट्रेडिंग बस इतना ही कुछ नहीं बोला वट आई टेल यू इन द मॉर्निंग क्या बोला था मैं इस, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन ट्रेडिंग खत्म मेरा और कुछ कहना ही नहीं है इसके बाद ठीक है तो मेरा एक ही कहना है आत्मनिर्भर बनिए इससे ज्यादा कुछ नहीं और आप लोगों को आप लोगों को अभी बहुत सारा सर्विस लाने वाले है थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके लिए बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप रेगुलर वीडियो क्यों नहीं ला रहे बहुत बहुत बहुत, बहुत शेड्यूल मेरा बहुत टाइट है इसलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ पर आप लोगों के ये बोल रहे हैं आप लोगों को अगर प्रॉपर कॉल चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट के कमेंट में बताइए कि आप लोगों को प्रॉपर कॉल चाहिए और क्या क्या सर्विस ऐसा चाहिए मेरे को कमेंट में बताइए मैं डेफिनेटली लेके के आऊँगा आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए मिशन आत्मनिर्भर लेके आए तो ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है तो चलिए फिर मिलते हैं कल Uh, कल हो सकता है मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का कल एक स्ट्रैटेजी लेके आने का कोशिश करूंगा या तो फिर न, कुछ फिबोनाची के ऊपर बताएंगे कुछ लेवल्स बताएंगे क्योंकि बहुत लोग फिबोनाची जानते हैं यूज़ कैसे करते हैं उनको पता नहीं है uh, अगर आप लोग चाहते हैं तो बोलिए अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए कि नहीं सर इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाइए इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाइए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए डेफिनेटली मैं वो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं कल शाम को आठ बजे से लेकर साढ़े आठ बजे के बीच में धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सभी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग